सर हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसमें चारों गियर पीछे की ओर लगेंगे। तो मैंने फर्स्ट गियर लगा दिया। अब जो पहला मेरा बाइक रवाना करने का तरीका वो ये है कि मैं बिल्कुल एक्सलरेशन नहीं दूं और अचानक क्लच छोड़ दूं तो मेरी बाइक बंद हो जाएगी। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि मैं ज़्यादा एक्सलरेशन दे दूं और ऐसे अचानक छोड़ूं तो मेरी बाइक देख सकते हैं कि अचानक उछाल मार के जा रही है। तीसरा तरीका है जिसके द्वारा आप बिल्कुल इजीली किसी भी बाइक को रवाना कर पाएंगे, वो यह है कि मैं केवल उतना ही क्लच छोड़ूं कि उससे मेरी बाइक रवाना होने शुरू हो जाए और इसी के साथ मैं एक्सीलेशन थोड़ा ही दूं। देखिए मैं थोड़ा ही एक्सीलेशन दिया है कि मेरी बाइक की जो आवाज़ है वो ज़्यादा नहीं हो रही है, एकदम स्मूथ आवाज़ हो रही है। अब बाइक जैसे पूरी रवाना हो गई है तो उसके बाद मैं मेरा क्लच पूरा छोड़ देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है कि यह जो पॉइंट है, देखिए इसमें आप यह ध्यान रख सकते हैं कि यही पॉइंट है, उस पॉइंट के बाद हमारी बाइक चलना शुरू होती है। और नए नए ड्राइवर होते हैं वो क्या करते हैं, इतना ले जाते हैं फिर अचानक पूरा क्लच छोड़ देते हैं, यानी उस पॉइंट के आने से पहले, यानी बाइक के रवाना होने से पहले क्लच छोड़ देते हैं तो अचानक इंजन पर प्रेशर आता है क्योंकि बाइक खड़ी होती है एक जगह और इंजन उसको उस स्पीड के अनुसार पावर देता है जैसे कि वो चल रही है, तो वो बंद हो जाता है दबकर। अगेन देख लीजिए आप इस तरीके को, ये देखिए पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद मेरा बाइक अपने आप चलना शुरू हो गया। अब मैं थोड़ा सा एक्सीलरेशन देके क्लच को छोड़ दूं तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यह ही बेसिकली रवाना करने का तरीका है। आप देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।